किसानों के संपूर्ण कर्जा मुक्ति तथा अन्य मांगों के लिए संपूर्ण महाराष्ट्र में सुकानो समिति द्वारा चक्का जाम आंदोलन पुकारा गया। चंद्रपुर में प्रहार संगठन की ओर से इस आंदोलन को साथ देते हुए चक्का जाम आंदोलन किया गया। ये आंदोलन प्रहार संगठन अध्यक्ष पप्पू देशमुख के नेतृत्व में पडोली स्थित छोटा नागपुर चौक में किया गया। इस अवसर पर आंदोलनकारियों ने कर्जा मुक्ति तथा स्वामीनाथन आयोग लागू करने के नारे दिए। आंदोलन के नेतृत्व करने वाले पप्पू देशमुख तथा अन्य आंदोलनकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। सरकार की ओर से कर्जा मुक्ति की घोषणा की गई, मात्र अभी तक किसानों को कर्जा मुक्ति नहीं मिली है, जिससे किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से किसानों के आंदोलन को दबाया जा रहा है, ऐसी जानकारी प्रहार संगठन अध्यक्ष पप्पू देशमुख ने दी तथा उन्होंने जल्द ही किसानों के कर्जा मुक्ति करने और स्वामीनाथन आयोग लागू करने की मांग की, अन्यथा इससे भी ज्यादा तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसी जानकारी उन्होंने इस वक्त दी। महाराष्ट्र हजारों लाखोंच्या संख्येने शेतकरी आत्महत्या करत असताना ही सरकार निवड उपनार सरकार निवड कागदोपत्री घोषणा करत आहे, अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही। आणि कर्जमाफी ऑनलाईनवर इतकी किचकट आहे की ती व्हायच्या पहिले अनेक शेतकरी आत्महत्येला सामोरे जाण्याची शक्यता असतानाही सरकारला पाजर फुटत नाही। या सरकारला आमचं आव्हान आहे की कर्जमुक्ती संपूर्ण सरसगट झालीच पाहिजे, अन्यथा पूर्ण महाराष्ट्र पेटवल्याशिवाय प्रहार राहणार नाही। स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करा, पेरणी ते कापणीपर्यंत जी कामं एमआरईएचएस मधून करा, आणि झुटी सरकार मोदी सरकार निवडणुकीच्या पहिले स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन जाहीरपणे दिले आणि आता खोटे बोलले, सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दिलं की आम्ही असं करू शकत नाही। या मोदी सरकारचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि शेतकऱ्यांसाठी याच्या पुढे पूर्ण महाराष्ट्र पेटवून सोडू अशी आम्ही या ठिकाणी जाहीर आवाहन करतो। महाराष्ट्र में हजारों की संख्या खुशी कर रही है, सरकार उनको कर्जमुक्ति नहीं दे रही है, बल प्रयोग करके आंदोलन को दबाया जा रहा है। ये आंदोलन को दबाने का तरीका सही नहीं है, लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। हम इसके विरोध में जन आंदोलन करेंगे। पूरे महाराष्ट्र में कर्ज मुक्ति होनी चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की अमल बजावनी होनी चाहिए और बुआई से लेकर कटाई तक के काम जो है वो एमआरईएस में होने चाहिए, अन्यथा इससे बड़ा आंदोलन प्रहार संगठन पूरे महाराष्ट्र में चलाएगा।